घनघोर बारिश। देखिए बारिश हो रही है अभी दिल्ली के अंदर, मौसम ने करवट ले लिया है, लेकिन हम अभी भी खड़े हुए हैं पूरी शक्ति से और हम डोर टू डोर कैंपेन में लग गए हैं। डोर टू डोर का मतलब हम गली गली घर घर जा रहे हैं और बुजुर्गों से मिल रहे हैं। आज हमारे साथ 75 साल से भी ज्यादा उम्र की एक बुजुर्ग महिला है जिनके पास हम लोग आए हैं। बुजुर्ग हमारे साथ और भी बुजुर्ग हैं, तो हम लोग इनसे बात करेंगे और इनसे पूछने की कोशिश करेंगे कि भाई क्या बुजुर्गों को सम्मान मिलना चाहिए, क्या बुजुर्गों को पेंशन मिलनी चाहिए, हम इस बात पे बात करेंगे। लगातार दिल्ली में 7 साल से जो बुजुर्ग हैं उनकी पेंशन बंद है, अभी वृद्धावस्था पेंशन शुरू होनी चाहिए। शुरू होनी चाहिए, बुजुर्गों को सम्मान मिलना चाहिए। बिल्कुल, आजकल ऐसा होता है बुजुर्ग होते हैं तो परिवार से भी उनको काट देते हैं, बच्चे भी आजकल ऐसे हो गए, सब तो नहीं है लेकिन कुछ ऐसा हो रहा है, हिंसा भी हो रही है उनके साथ। तो बुजुर्गों की बात कोई सरकार नहीं कर रही, चाहे वो बीजेपी हो कांग्रेस हो, आप कोई नहीं कर रही। नहीं, आपको क्या लगता है बुजुर्गों को, बुजुर्गों की बात करेगा कोई? हम बुजुर्ग के मुद्दे पे चुनाव लड़ना चाहते हैं तो समर्थन मिलेगा बुजुर्गों का? मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। तो भाई हम एक आदर्श दिल्ली के रहने वाले हैं, दिल्ली में रहते हैं, सिटीजन है, तो हमारे हक में भी क्या बोलते हैं, हमारे हक में भी होना चाहिए, हमारे हक में भी क्या बोलते हैं पेंशन मिलना चाहिए हमारे को। 60 साल की उम्र हो रही है हमारी, और जो रुकी भी पेंशन इनको क्या बढ़ावा देना चाहिए। मैं देखिए आप उनको भी मिलनी चाहिए, जिनको नहीं मिल रही उनको भी मिलनी चाहिए। आपको पैरों में भी तकलीफ है, चला भी नहीं जाता, हॉस्पिटल में लाइन लगानी पड़ती है, तो हम ये भी कह रहे हैं कि हॉस्पिटल में लाइन खत्म होनी चाहिए। सही कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल खत्म होनी चाहिए लाइन। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही है। हॉस्पिटल में क्या माहौल लगता है आपको? लाइन में लड़ना पड़ता है, लाइन में रखते हैं भाई, लाइन पे आओ, कोई है नहीं, कोई है नहीं। हम लोग लाइन लगाना चाहिए, अलग नहीं होती वहाँ पे, हमें एक काउंटर भी बना देते हैं तो वहाँ पे वो काउंटर पे कोई होता नहीं है, काउंटर बंद रहते हैं, काउंटर पे कोई नहीं होता वहाँ पे, काउंटर पे काउंटर कोई नहीं, बल्कि यही कह देते हैं कि उधर। और देखिए बुजुर्ग हो विकलांग हो, सबसे ज्यादा मदद इन्हीं को जरूरत होती है सरकार, क्योंकि ये अब सारी उम्र तो इन्होंने कमाया, कमा के टैक्स दिया, बच्चों को खिलाया पिलाया, बच्चों को खिला पिला के बड़ा किया, उनको सेट किया, देश के लिए भी काम किया, और आज इनकी हालत इतनी बुरी है। क्या लगता है इस मुद्दे को कोई सरकार उठा रही है? कोई नहीं उठा रही, कोई नहीं उठा रही। उठाना चाहिए। आंटी अगर इस मुद्दे पे चुनाव लड़ूं तो क्या आपका मुझे समर्थन या वोट मिलेगा? हाँ जरूर मिलेगा। हाँ जरूर मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा। अच्छा मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि मैं एक आपसे पूछना चाहता हूँ, EPS 95 एक स्कीम थी सरकार की, उसमें क्या था कि आप ना जैसे सरकार में पेंशन मिलती है सरकारी लोगों को, उस स्कीम में भी पेंशन मिलती थी, पेंशन मिलेगी सरकार ने ऐसा वादा किया। अब क्या किया उनने, पूरी जिंदगी अपना पैसा डाला उस फंड में, पेंशन के फंड में पैसा जमा किया, आज उनको 700-800 रुपए, किसी किसी को 800, किसी को 700 रुपए पेंशन मिलती है, किसी को थोड़ी ज्यादा भी मिलती है, क्या ठीक मिल रही है पेंशन? नहीं गलत है, गलत मिल रही है, गलत मिल रही है आंटी। ज्यादा नहीं आती, सिलेंडर आ सकता है 700 रुपए में ना, सिलेंडर का आता है सिलेंडर। दोस्त अगर अगर उनको जो बुजुर्ग लोग हैं जिन्होंने पूरी जिंदगी नौकरी की और अपना पैसा उसमें दिया और उनको 700-800 रुपए में अगर मिल रही है तो क्या लगता है उनकी उनकी, आप भी आ जाइए सर। देखिए हम लोग बिल्कुल डोर टू डोर आए हैं और आज हम बता दें गीता कॉलोनी में, गीता कॉलोनी ये कृष्णा नगर का क्षेत्र पड़ता है, कल हम लक्ष्मी नगर में बात कर रहे थे, आज हम गीता कॉलोनी में बात कर रहे हैं। और ये आपको क्या लग रहा है कि अगर इस मुद्दे पे हम लोगों को समझाएं, बुजुर्गों की बात करें, हर घर में एक बुजुर्ग तो होता ही है, बिल्कुल, तो हमें समर्थन मिलेगा बुजुर्गों? बिल्कुल मिलेगा। आपको क्या लगता है सर कि बुजुर्गों का समर्थन मिलेगा? बिल्कुल जी, हम भाई आपके साथ में हम, बिल्कुल मिलेगा आंटी। और भी लोग देंगे आंटी, क्या क्या तकलीफ है बुजुर्गों को, क्या क्या मुश्किलें होती हैं? मुश्किलें यही बीमारी आ जाती है, शुगर हो जाता है, ब्लड प्रेशर हो जाता है, और बीमारी होती है, और उसके इलाज होता नहीं है ढंग से, उसका इलाज नहीं होता है ढंग से, वो हॉस्पिटल में वो मिलती नहीं है दवाइयां। आजकल तो मेडिकल सुविधाएं मिलनी चाहिए बुजुर्गों को, ये मिलनी चाहिए। ईपीएस 95 वाले जो बुजुर्ग हैं, अजी दवाई लेने आते हैं, दवाई नकली दवाई मिलती है, अच्छी दवाई मिलती नहीं हम लोगों को, दवाई हॉस्पिटल में मिले, खर्च करते पैसे भी खर्च करेंगे अपने पास से, जाते थे बाजार की लिख देते हैं, बाजार की लिख देते हैं, और दवाई नकली दवाई होती है। स्वास्थ्य का ये हाल है। एक मुद्दा और हमने उठाया, आजकल आपने प्राइवेट हॉस्पिटल की बात सुनी होगी, तो प्राइवेट हॉस्पिटल में कैसा होता है कि कभी मरीज को भर्ती करते हैं, सरकारी हॉस्पिटल में इलाज मिलता नहीं है, तो कभी कभी पेशेंट एक्सपायर हो जाता है, बिल उसका बना देते हैं लाखों लाख का, क्या जो बंदा मर गया उसका बिल माफ होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, माफ होना चाहिए, माफ होना, एजाज भाई माफ होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल माफ होना चाहिए। देखिए ये नहीं होता, माफ ही नहीं होता सरकार को, हम ये भी मुद्दा उठा रहे हैं कि भाई प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर किसी की मृत्यु हो जाए
किसी की प्राइवेट हॉस्पिटल को मकान बेच बेच के देना पड़ता पैसा। हाँ। बड़ी मुश्किल हो जाती है जो गरीब बंदा होता है। बोर्डी सबको भी नहीं देते, गुजर जाए गुजर जाने के बाद जो बोर्डी सबको भी देते, कहते पहले पैसा दो तो तुम्हारी बोर्डी मिलेगी। ये कोई तरीका है इनका जो ऐसा कानून बनना चाहिए? आपको क्या लगता है कि भाई अगर किसी की वैसे एक तो जान भी चली गई उसकी, अब उस पे लाखों का बिल, परिवार बिल्कुल सड़क पे आ जाता है, क्या उसको भी माफ होना चाहिए? वो बिल्कुल इस मुद्दे को भी किसी पार्टी ने उठाया है क्या? किसी ने नहीं उठाया। अच्छा, हमारे साथ कुछ युवा भी है, एक मिनट आप आएंगे। उम्र कितनी है बेटा आपकी? मेरी 23 साल। 23 साल है। क्या लगता है बुजुर्गों को सम्मान मिलना, थोड़ा सा इधर आ जाओ। हाँ, अब बुजुर्गों को सम्मान मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए। बुजुर्गों को पेंशन, आज 7 साल हो गए दिल्ली में पेंशन बंद है बुजुर्गों की, नया कोटा चालू नहीं हो रहा, क्या बुजुर्गों को पेंशन मिलनी चाहिए? बिल्कुल मिलनी चाहिए। और क्या लगता है कि बुजुर्ग का मुद्दा कोई पार्टी उठा रही है? मेरे को तो नहीं लग रहा कोई नहीं उठा रही। कोई नहीं उठा रहा, आज तक किसी उठाया नहीं। और बुजुर्गों को सबसे ज्यादा जरूरत होती है हॉस्पिटल में, उनकी जरूरत होती है, परिवार में भी उनको बहुत सारी बीमारियां भी होती हैं, पेंशन की भी उनको जरूरत है। भाई अब बच्चों से आप मांगेंगे, पूरी जिंदगी तो कमाया, बच्चों से हाथ फैलाएंगे अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं। तो फिर सरकार को करना चाहिए, सरकार को करना चाहिए। बिल्कुल, देखिए हर व्यक्ति के पास आप जाएंगे, हम तो अभी डोर टू डोर हैं और अभी हम कृष्णानगर विधानसभा के अंदर गीता कॉलोनी वाले क्षेत्र में, और हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये मुद्दा बड़ा जेन्युइन है। जब हम बुजुर्गों की बात करेंगे तो एक परिवार में एक बुजुर्ग होता है तो सभी लोग जुड़े होते हैं उससे। बिल्कुल। और जब बुजुर्ग अगर बुजुर्ग की बात करेंगे तो उसके परिवार के जवान लोग भी वोट करेंगे। बिल्कुल, इस मुद्दे पे करेंगे। बिल्कुल करेंगे। क्या लगता है कि आप जैसे आप बुजुर्ग हैं, अगर आपके कोई बात करेगा तो? हाँ जी, सीनियर सिटीजन अगर जितने भी हैं, मैं बता दूं आपको बहुत सारे लोग हैं, उस पे करना चाहिए। आप तो सीनियर सिटीजन है, कितनी उम्र है आपकी? कितनी उम्र है? आ जाइए कोई बात नहीं। हाँ जी, हाँ, कितनी उम्र है? इधर देखिए, इधर की तरफ देखिए, इधर देखो, इधर घूम जाए, ऐसे घूम जाए। कितनी उम्र है आपकी? ऐसे है मेरी उम्र, जितने लोग ऊपर है जितने नीचे है इतनी मेरी उम्र है, लगभग 80 साल से ऊपर तो होगी। ऊपर साथ है, नीचे भी साथ बताती है। देख लो आप, ऊपर भी क्या लगता है बुजुर्गों को पेंशन मिलनी चाहिए? हाँ जी, पेंशन मिलनी चाहिए बुजुर्गों को। पेंशन हमारे को तो मिल रही है भाई, हरियाणा के हैं। अच्छा, हरियाणा में कितनी मिल रही है अंकल? 3,000 मिल रही है, दिल्ली में 2,500 है। ठीक है, तो क्या लगता है कि ये बढ़नी चाहिए थोड़ी? 3,000 में काम चल जाता है? हाँ चल। देखो जी, चलाओ तो काम चला है, ना चलाओ ना तो 20,000 मिल जाए महीना, फिर भी नहीं चलता। अच्छा, एक चीज और बताइए, 700 रुपए में अगर आपको मिले पेंशन, कहीं आपने ऐसा सुना है किसी 700 रुपए पेंशन मिले उसकी जिंदगी चल सकती है? बिल्कुल नहीं चलेगी। कुछ बुजुर्गों ने पूरी साल पूरी जिंदगी नौकरी की, ठीक है, और नौकरी के बाद उन्होंने अपना पैसा भी कटवाया, जमा कराया। हाँ जी, पैसा जमा कराने के बाद उनको 700-800 रुपए पेंशन मिलती है, सही बात है? ये तो गलत है। गलत है, सरकारी है या प्राइवेट? सरकार ने ही पैसा लिया, ईपीएफओ में जमा कराया और उसके बाद उसको पेंशन मिल रही है 700-750 की। उसके साथ अत्याचार है ना? ये तो गलत है, गलत है ना? पक्का अत्याचार है? बिल्कुल। ईपीएस 95 वालों के साथ अत्याचार हो रहा है? फिर बिल्कुल हो रहा है, हो रहा है। तो ये सरकार को सुनना चाहिए, बिल्कुल सुनना चाहिए बुजुर्गों का सम्मान। हाँ जी, बिल्कुल सुनना चाहिए, बुजुर्गों का सम्मान कायम होना चाहिए, उनको समझना चाहिए। उनके जब कई कई लाख रुपए है महीने की, आप लाख रुपए देते हैं तो और क्यों नहीं देते? क्यों नहीं देते? सब सबको ऐसा ऐसा थोड़ा थोड़ा कर ज्यादा दे दो, दे दो, वो भी खुश हो जाए और सरकार भी खुश हो जाए, वो भी खुश हो जाए। इतनी एज है और उसके बाद भी ये इस बात को तो कह रहे हैं कि भाई बुजुर्गों को सम्मान मिलना चाहिए। और उनको अगर सरकार 700-800 रुपए में जीवन नहीं चलता, और इनको हरियाणा से यहाँ अभी दिल्ली आए हुए हैं, तो हरियाणा में कह रहे हैं 3,000 पेंशन है वृद्धावस्था। अच्छा, 3,000 मिलती दिल्ली में, 2,500 है, 3,000 वाली पेंशन जो मिलती है उसमें आपने तो कुछ जमा करा नहीं होगा, वो तो सीधा सरकार देती है। लेकिन इन बुजुर्गों ने 30 साल 25 साल 28 साल पैसा भी जमा कराया, आप देखो उनका पैसा भी वापस नहीं दे रही सरकार, अच्छा कर रही है? गलत है जी, गलत है, बिल्कुल गलत। तो इस मुद्दे को अगर उठाया जाए तो बुजुर्ग लोग इसको, उनका समर्थन, उन सारे बुजुर्गों ने जो पूरे भारत के बुजुर्ग है, ऐसे बुजुर्गों ने कहा कि भाई इस मुद्दे पे लोगों को जाओ बताओ, जागरूक करो कि उनका हक मारा जा रहा है, आप लोग सब साथ दोगे अगर उनके मुद्दे पे ये बात? बिल्कुल देंगे, इस हिसाब से वो गलत काम कर रहे हैं, वो गलत कर रही है सरकार आज की सरकार, इस हिसाब से गलत है। और वैसे देखा जाए कोई कहते हैं अच्छा है, कोई कहते हैं खराब है, कोई मेरे पास जिनको मिल रहे हैं ना मंत्री बड़े बड़े नेता बन रहे हैं वो तो है खुश, कई लाख रुपए मिल रहे हैं उनको। देखो जी, आंटी क्या कर रही है? गरीब बंदा है उसको मुश्किल है, उसको नहीं बहुत मुश्किल है, वो गुजारा नहीं होता। अगर किसी कोई पेंशन पे ही गुजारा हो तो क्या पेंशन पे जीवन चल जाएगा? नहीं चलेगा। 700 रुपए पे चल जाएगा? नहीं चल सकता जी।
कुछ नहीं होता आजकल। आजकल थोड़े से पैसे में कुछ नहीं होता, 20,000 मिल जाए तो भी गुजारा नहीं होगा। अच्छा जजों ने ये कहा, एक जज ने कहा कि भाई जजों को 20,000 कुछ पेंशन मिल रही थी तो बड़ी कम है, बढ़ा दो। लेकिन इनको तो 700-800 मिल रही है, इनकी तो कोई बात ही नहीं कर रहा। और 78 लाख लोग हैं ये, कितने 1 करोड़ के करीब लोग हैं। एक करोड़ लोगों के साथ अन्याय हो रहा है? नहीं, बिल्कुल पक्का हो रहा है आंटी, अन्याय हो रहा है? नहीं हो रहा है? हाँ बहुत पक्का ही हो रहा है। तो इसके साथ हम देखिए, हम जगह जगह आ रहे हैं, हम लोगों से बात कर रहे हैं और डोर टू डोर हमारी चल रही है। हम डोर टू डोर लोगों को समझा रहे हैं कैसे ईपीएस 95 के बुजुर्गों के साथ अन्याय हो रहा है। और आज हम एक दूसरी विधानसभा में थे, कल हम लक्ष्मीनगर में थे और हम इनसे कह रहे हैं कि पूरे देश के बुजुर्गों ने जिस तरीके से कहा कि आप जाइए लोगों को समझाइए और इस मुद्दे पे चुनाव लड़के संसद में जाकर ये बात रखिए और सरकार पे दबाव बनाइए कि सरकार इन बुजुर्गों को भी न्याय दे जो 1 करोड़ के करीब लोग हैं। देखो जी, जो जब नेता बड़े बड़े बन जाते हैं ना, कैसे कहते हैं वो, मोदी जी से भी मिलाए, मोदी जी ने भी आश्वासन दे दिया, कुछ नहीं किया। देखो जी वो कहते हैं मतलब निकल गया तो कोई समझ जानता नहीं, मतलब निकलने वाला कोई नहीं जानता, तू कौन और मैं कौन, ऐसा है आजकल मतलब की सारी। एक मिनट आप इधर आ जाइए, देखिए कितनी बात, कितनी बड़ी साफगोई से कहती कि मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। जब वोट देने आता है तो यही नेता घर घर जाते हैं और जब 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 हमारे बाप कहते हैं हमारे बाप सारी दुनिया मतलब की है, मैं तो ये कहता हूँ फिर कहते हैं हमारे, लेकिन इतना मतलब ही नहीं होना चाहिए। सुनो संत कबीर ने कहे है, इसकी इस विषय में जो आपने सब्जेक्ट उठाया है इस विषय में बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी ये चीज है इसके अंदर कि अगर आप कह रहे हैं कि बुजुर्ग लोग जो है पूरे देश में 1 करोड़ के लगभग हैं, तो जो लोग 1 करोड़ के लगभग हैं जिनका आपने मुद्दा उठाया है वो इसका मतलब है कि वो 1 करोड़ पीड़ित हैं, पीड़ित हैं। तो कहने 7 करोड़ लोग पैसा फंड में जमा भी कर रहे हैं, तो 8 करोड़ हो गए टोटल लगभग। कहने का तात्पर्य, मेरा जो कहने का तात्पर्य है कि अगर न्यायालय में क्रिमिनल केस के लिए क्रिमिनल जज और क्रिमिनल न्यायालय है और सिविल केसों के लिए सिविल जज और सिविल न्यायालय है और फैमिली कोर्ट के लिए फैमिली न्यायालय है, तो फिर ये 1 करोड़ के जो बुजुर्ग हैं इनके लिए बुजुर्गों का न्यायालय कहाँ है? कितनी बड़ी बात कही कि बुजुर्गों को ना न्यायालय है ना बुजुर्गों का कोई सम्मान है, कैसे मिलेगा ये बिना न्यायालय के? बिना न्यायालय का न्याय इनको कौन कैसे मिलेगा? कोई मुझे संसद बता दे, आप जैसे बता दे, जैसे आयोग बने हुए हैं अलग अलग आयोग, ऐसे वृद्धा आयोग भी बनना चाहिए क्या? आयोग नहीं, बुजुर्गों का आयोग क्यों नहीं बनाओ? कानून क्यों नहीं आयोग में, कानून क्यों नहीं बनाओ? आयोग नहीं, न्यायालय फास्ट ट्रैक कर, तो आदमी अपना हक ले सके, हक ले सके, संसद से भी ले सके और ये जो क्या नाम कानून है उससे भी ले सके और समाज से भी ले सके। देखिए बुजुर्ग बहुत परेशान है और हम तंग हैं, एक तो अपने शरीर से ही तंग हैं, दूसरा आप उनको समाज से भी तंग कर रहे हो, फिर उनको पैसे से भी तंग कर रहे हो, तो ये अच्छी बात नहीं है। और दूसरी बात, उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, उन्होंने पैसा भी जमा किया है और बुजुर्गों की पेंशन बढ़नी चाहिए, ये सब लोग कह रहे हैं, चाहे वो जवान हो। हमारे साथ जवान खड़ा हुआ था, एक बच्चा 25 साल का, वो कह रहा था, हमारे साथ बुजुर्ग आंटी थी वो खड़ी हुई थी और सबने ये कहा कि बुजुर्गों की पेंशन भी बढ़नी चाहिए, नया कोटा दिल्ली में वो भी होना चाहिए और इसके साथ साथ प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो उसका बिल माफ होना चाहिए। इसके साथ साथ ये भी मुद्दा बिल्कुल सही कहा कि ईपीएस 95 के बुजुर्गों को जितनी कम पेंशन मिलती है उसमें जीवन नहीं चलता। वीडियोस हमारी कम क्यों आ पा रही है कि हम डोर टू डोर में वीडियो शूट नहीं कर पा रहे, जहां हमें मौका मिलता है हम वीडियो शूट कर रहे हैं और आप तक पहुंचा रहे हैं। आपका ये फर्ज है कि ये वीडियो जगह जगह पहुंचा दीजिए, सबको पहुंचा दीजिए, क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं है। हम जो पैम्पलेट भी बांट रहे हैं, हम कह रहे हैं भैया फोटो कॉपी करके आप ही बांट देना अपने मोहल्ले में, 50-100 फोटो कॉपी करके हमारा मुद्दा बांट देना। हमारा मुद्दा ये है, बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है, विकलांगों की भी बात कर रहे हैं, बुजुर्गों की भी बात कर रहे हैं, ये सबसे हाशिए पे डाले हुए लोग हैं, इनको न्याय मिलना चाहिए, ईपीएस 95 के पेंशनर्स को न्याय मिलना चाहिए और इस न्याय के लिए हम गली गली घर घर जाएंगे और लोगों को जागरूक करेंगे। और जो आप देख रहे हो, आपसे भी मैं उम्मीद करता हूं आप सहयोग लगातार करते रहेंगे और इसके साथ साथ वीडियो को फैला दो, क्योंकि सोशल मीडिया में बहुत ताकत है। अगर ये वीडियो लगातार सब जगह पहुंच गया तो हमें लगता है हमें न्याय, आपको न्याय मिलेगा, बुजुर्गों को सम्मान मिलेगा और बुजुर्गों को की आवाज भी संसद में उसी ताकत से गूंजेगी जिस ताकत से गूंजनी चाहिए। देखते रहिए।